देश में जब कोरोना वायरस ने पैर पसारना शुरू किया था तो मार्च के महीने में पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए एक दिन के जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी। उस दौरान जब वे टीवी पर नजर आए तो उनकी दाढ़ी करीने से कटी हुई थी। करीब 3 महीने बाद जब अनलॉक 2 की घोषणा के बाद उन्होंने देश को संबोधित किया तो उनकी दाढ़ी काफी बड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कई दिनों से अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई है। ऐसे में लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आम जनता को संदेश देने के लिए अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि लॉकडाउन 2 की घोषणा के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से घरों से कम बाहर निकलने और गैर जरूरी चीजों से बचने की सलाह दी थी। मार्च से लेकर जब जून 2020 के आखिरी दिन उन्होंने देश को संबोधित किया तो उस दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के लगभग 70 दिन बीत चुके थे। क्या लंबी दाढ़ी में कोई संकेत था? इससे जाहिर होता है प्रधानमंत्री काफी समय से अपने हेयर ड्रेसर से नहीं मिले हैं। बता दें कि अनलॉक 1 की घोषणा के बाद से ही सैलून और हेयर कटिंग की दुकान कई राज्यों में फिर से खुलने लगी है। हेयर ड्रेसर से नहीं मिलने का कारण ये नहीं कि पीएम मोदी अपने आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग में नहीं है जिस महामारी से देश गुजर रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री के रूप में उनके लिए लगातार वर्चुअल मीटिंग करना और अधिकारियों से मिलना ज्यादा आवश्यक है। इसकी वजह से ही वो महीने से अपने हेयर ड्रेसर से नहीं मिले हैं, क्योंकि अभी वो अधिक महत्वपूर्ण कामों में ही अपना सारा समय लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि देश के लोगों को एक संदेश देने के लिए भी उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने लोगों से कई बार अपील की है कि यदि आप सक्षम हैं तो घर से काम करें, बार बार किराने का सामान लेने के लिए बाहर न जाएं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मिलने की जगह वीडियो कॉल पर अपने दोस्तों से बात करें। उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि अब आप बाहर कदम रखें तो मास्क जरूर पहने। ऐसी की और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।